काफी लंबी ट्रिप थी ये, हाँ 1 घंटे की ट्रिप। 1 घंटे की ट्रिप थी ये। 370 रुपये, फोर डबल थ्री सेवन ठीक है, 4337। सॉरी, कैमरे में रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं नहीं मैं ब्लॉग शूट करता हूँ यूट्यूब के लिए। बैठिए। नहीं नहीं अभी नया क्रिएटर हूँ, किस्मत को आजमा रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ। काम की शुरुआत मैंने पहले सुबह 9 बजे की थी ड्यूटी ऑन, पर मेरे पास कोई ट्रिप आ नहीं रही थी। 9 बजे के बाद फिर मैंने बंद कर दिया और काम को, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से 3 बजे स्टार्ट की ड्यूटी को। 3 बजे भी ड्यूटी स्टार्ट की तो मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा था और मैं हार कर परेशान हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, आज मैं पूरी नाइट में काम करूंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। तो भाई समय की बात की जाए तो लगभग 8 बज रहे हैं रात के, और आज हम लोग फुल नाइट काम करने वाले हैं, बाइक टैक्सी ओला उबर और रैपिडो। तो ओला उबर रैपिडो में पूरी रात दिल्ली NCR में काम करके कितनी कमाई हो सकती है, काम होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। और हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं फील्ड में। तो भाई पहली ट्रिप हमने एक्सेप्ट किया उबर पर, वो भी रात को 8:15 बजे। तो भाई पहली ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है और ये होने वाली है हमारी वसंत कुंज की। जा रहा हूँ पिकअप लेने, यहीं पर ही पायल मैडम एक विशाल मेगा मार्ट पर खड़ी है। तो भाई इन मैडम को मैंने पिकअप किया था विशाल मेगा मार्ट MB रोड से, और इनको जाना था महिपालपुर। तो ये हमारी जो ट्रिप थी ये टोटल 22 किलोमीटर की ट्रिप थी और बहुत ही शानदार ट्रिप थी। इससे मेरे को अर्निंग भी बहुत अच्छी हुई थी। और मैंने क्या किया था, ये जो मैंने कैमरा लगाया हुआ है ना, इसका जो माइक था वो माइक मैंने सेट नहीं किया हुआ था, जिस वजह से मुझे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पर थोड़ा सा। GPS तो इधर से बोल रहा है, वैसे सीधा चलो खानपुर का जाम मिलेगा। वैसे 223। ओके थैंक यू, रेटिंग कर देना। मैं 223 की ट्रिप है कंप्लीट हो गई है वसंत कुंज में। क्या दिया कंपनी ने इसमें हमारे को, 198 रुपये दिए हमारे को इनने। तो ठीक है भाई, बाकी वसंत कुंज में आ गया हूँ, देखो यहाँ से कहाँ की मिलती है ट्रिप। शाम को अब धीरे धीरे जाम ख़त्म हो जाएगा, राइडर कम हो जाएंगे, काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिपालपुर से दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट की है मैंने रैपिडो पर, और ये होने वाली है उत्तम नगर की। तो जा रहा हूँ, जाके पिकअप लेते हैं भाई। महिपालपुर गांव में घूमे जा रहा हूँ भाई, लोकेशन सही से आई नहीं रही है, अंदर से कुछ पता ही नहीं चल रहा। वापस रोड पे आ गए दोबारा लौट के, अंदर गांव के अंदर की लोकेशन न जाने कहाँ की डाली हुई है। घूम फिर के वापस रोड पे आ गए, अंदर गलियाँ ही नहीं है, बिचकी बिचकी गलियाँ बंद है सब। और इसमें अराइव दिखाता भी नहीं है, अगर मैं आई हैव अराइव करूँगा तो अराइव भी नहीं लेगा और कस्टमर से बात भी नहीं करवाता। अरे रैपिडो मेंटल है वैसे, अगर ट्रिप कैंसिल करना चाहो तो ना कैंसिल करने देता है, ठीक है ना, ये कस्टमर से बात करने देता है, यानी कि यार पूरा का पूरा मेंटली है रैपिडो। रैपिडो ये OTP होगा आपके पास, सॉरी 4337 ठीक है, 4337 सॉरी। नहीं नहीं मैं ब्लॉग शूट करता हूँ यूट्यूब के लिए। बैठिए। नहीं नहीं अभी नया क्रिएटर हूँ, किस्मत को आजमा रहा हूँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ। बैठिए। तेरह किलोमीटर की ट्रिप है भैया हमारी, चले कहीं यही लेफ्ट से निकलना है, राइट से, राइट राइट से उत्तम नगर नहीं ठीक। ये GPS ने पहले ना दूसरे पीछे गली में से अंदर घुसा दिया मुझे गांव के अंदर ही। अच्छा। वहाँ काफी देर इधर उधर उधर ढूंढता रहा मैं, जब कुछ समझ में नहीं आया फिर मैं दोबारा मेन रोड पे आया, तो बाहर बाहर से आया तब मैं ठीक आ पाया।
वरना ये मुझे अंदर ही अंदर घुमाया जा रहा था। पता नहीं कौन से कॉल करने नहीं देता ना ये रैपिडो। ये तो आई हवर आई, जब तक लोकेशन पर नहीं पहुँचते तब तक कहाँ नीचे कहाँ से इधर से जब तक पहुँचते नहीं ना लोकेशन पर तब तक नहीं देता है। कैश फिर मेरे पास चेंज की प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आपको चेंज की प्रॉब्लम होगी हाँ, तो मेरा भी तो फोन पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। देख लो कैसे होगा। आप एक काम करना, मैं आपको बैलेंस कर पेटीएम कर दूंगा, आप जो मुझे दोगे ठीक है। और मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरे पैसे उलझे। मैं क्या करूँ बताओ, मेरे पास कैश की प्रॉब्लम हो जाएगी, चेंज नहीं होगा मेरे पास। 121 रुपये आपके हुए, अगर आप एक मेरे को खुले दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाओ दो, 200 रुपये दोगे ना मेरे को, दो आप 200 रुपये दो हो जाएंगे। ये लो ठीक है, थैंक यू। पेट्रोल पंप का पता है क्या आप यहाँ आसपास? पेट्रोल पंप कौन सा पास पड़ेगा पता है? ये उस तरफ तो दो आए पर इस तरफ एक भी नहीं आया। मैं पेट्रोल पंप के चक्कर में, उस तरफ तो दो आए इस तरफ एक भी नहीं आया। अब मुझे वापिस जाना पड़ेगा यहाँ से 2-3 किलोमीटर। 220 का डाल दो, 220 1.5-2 किलोमीटर बाद मुझे मिलेगा आखिर एक पेट्रोल पंप। उत्तम नगर का एरिया है, द्वारका है ना ये है? सेक्टर 2 है। अच्छा ये लो भैया, लाओ चलाओ चलाओ। जीरो देख लिया भैया हमने, जीरो देखने से पता नहीं क्या होता है। डेंसिटी इसकी 754 है, ठीक है। 220 ठीक है भैया। द्वारका सेक्टर 2 में खड़ा हूँ भाई। 2 पराठे लेके आया था, आलू के वो खा लिए। और देखो बाइक में हेलमेट टांगने की जगह मैंने कितने बढ़िया ढूंढ ली। ये लाइट के इधर से ऐसे यहाँ पर टंग जाएगा हेलमेट, तो इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जैसे पराठे वगैरह, पानी की बोतल वगैरह और अपने एक दो जो छोटे मोटे सामान रहते हैं वो इसमें रखे रहते हैं टैंक बैग में। हेलमेट यहाँ टांग दिया। वेट है मेरे को, मेरे पास एक ट्रिप आ रही थी पर वो नजफगढ़ की थी। मैंने कहा नजफगढ़ के गांव वगैरह में कहीं घुसा देगा तो दिक्कत। द्वारका सेक्टर 2 से मेरे पास एक ट्रिप आई थी रैपिडो पर। द्वारका की ही ये कुतुब नगर है, कोई कुतुब नगर, तो ये गांव के अंदर की ट्रिप मेरे को मिल गई थी और मैं इसको कंप्लीट करने के बाद काफ़ी परेशान इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद मेरे पास एक ट्रिप आई थी नवादा की, द्वारका मोड़ नवादा के पास की ट्रिप आई थी। मैंने उसको फटाफट से एक्सेप्ट किया था, वो उबर पर थी। उसको लेने के बाद फिर डायरेक्ट मेरे पास जो ट्रिप, कस्टमर गया भाई दुकान पे गुटखा लेने और नवादा से लेके आया हूँ मैं 40 किलोमीटर की ट्रिप आनंद विहार की। आनंद विहार लेके जा रहा हूँ, 5-6 किलोमीटर बचा हुआ अभी यहाँ से। रात को ये एक दुकान खुली मिली है, लगभग 40 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर बचा है, एक भी दुकान रास्ते में कहीं मिली नहीं, भैया को गुटखा खाना था। और ये ट्रिप लगभग 350 रुपये की है, 350-450 रुपये की। तो आनंद विहार में जाके इसको कंप्लीट करेंगे भाई। अब तक मेरी बाइक 100 किलोमीटर चल चुकी है, 100 किलोमीटर में भी 4 किलोमीटर बचा भाई। ये ट्रिप कंप्लीट करते ही पूरा 100 किलोमीटर हो जाएगी बाइक मेरी। चाय वाला नहीं है यहाँ, होगा इधर उधर पर क्या करेंगे, छोड़ो। एक सेकंड, क्या जगह का नाम क्या था जहाँ से हम बैठे थे? द्वारका मोड़ था वो। काफ़ी लंबी ट्रिप थी, 1 घंटे की ट्रिप थी। 370 रुपये स्कैन कोड, पेटीएम पर 370 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है भैया जी, रेटिंग कर देना है।
थैंक यू 5 स्टार रेटिंग कर दी भैया ने आंखों के सामने। अब क्या करें भाई, आनंद विहार आ गए हम लोग। चलो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। तो भाई 1:38 हो रहे हैं रात के, और जैसे जैसे सुई आगे बढ़ रही है, काम की उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब 1:38 पर आनंद विहार पर हूँ मैं, और काम की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। धीरे धीरे मैं यहाँ से सरक रहा हूँ अपने घर की तरफ। और अगर मैं यहाँ से किलोमीटर की बात करूँ तो मेरा घर यहाँ से कितना किलोमीटर है, मैं एक्यूरेट चेक कर लेता हूँ, 20-22 के आसपास होगा पक्का। 24 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, और 15 अगस्त की वजह से चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जगह जगह पर। चेक पोस्ट, पुलिस वाले बस वो रजिस्टर भरने में लगे हुए हैं अपना। अब देखो यहाँ भी चेक पोस्ट लगा हुआ है, तो जगह जगह पर चेक पोस्ट, पुलिस वाले हैं। रात में काम करने का एक अलग मज़ा है वैसे, ये बात तो है, पर बस काम की डिमांड होनी चाहिए। काम की डिमांड अगर है तब तो मज़ा है भाई, वरना फिर। अब देखो आज की अगर मैं बात करूँ तो मेरी अर्निंग वैसे ठीक ठाक हुई है, कोई बुराई नहीं, अर्निंग अच्छी है। 628 रुपये काम किया है मैंने अभी तक ऊबर के साथ, और रैपिडो में मैंने जो काम किया है वो देखो, रैपिडो में 12 बजे बदल देता है। तो अब ये कल की तारीख में आएगी मेरी अर्निंग, हिस्ट्री में जाऊंगा 11 तारीख की दिखाएगा, तो 152 रुपये की अर्निंग की है मैंने रैपिडो के साथ। तो 152 और 628, तो ये हमारी अर्निंग है। किलोमीटर की मैं बात करूँ तो भाई हमारी बाइक अभी तक 102 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी यहाँ से 24 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यानी कि समझ लो कि 125 किलोमीटर हमारी मोटरसाइकिल चली है। अगर अभी मेरे को कोई काम मिल जाता है तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो भाई हमने 628 और 152 यानी कि 780 रुपये का काम किया है, 125 किलोमीटर हमारी बाइक चली है, 250 रुपये का पेट्रोल लगा है, तो 250 रुपये 780 में से निकाल लेंगे, ये हमारी कमाई है। बाकी मैं आनंद विहार से अपने घर तक बिल्कुल खाली गया था, मुझे कोई भी काम नहीं मिला वहाँ से, और मैं लगभग 2:30 बजे अपने घर पहुँच गया था रात को। और रात को 1 बजे के बाद काम मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, जबकि मैं आनंद विहार बस अड्डे पर था। तो ये वीडियो फ्रेंड्स, यहाँ तक की वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।